हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में हम अपनी फ़ोटो को डिफरेंट कलर इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक डांस पोज फोटोग्राफ लिया है जो मैंने पिक्साबे से डाउनलोड किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस फ़ोटो को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कुछ डिफरेंट लाइट इफेक्ट के थ्रू और डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू, तो सिंपल स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के थ्रू आप भी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की फ़ोटोग्राफ्स अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस फ़ोटो को ओपन किया। फ़ोटो को ओपन करने के बाद मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं इस फ़ोटो को डिफरेंट स्टाइल के कलरिंग में करूँ। तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जे। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद मेरे पास रहेगा कि मैं इसकी एक डुप्लीकेट, बिकॉज डुप्लीकेट इसलिए भी कि अगर बाई चांस मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं अपनी ओरिजिनल इमेज को ख़राब ना करूँ। तो मैंने पहले इसे डुप्लीकेट किया कन्वर्ट करने के लिए कि मेरे को ये एक मेरी मेन इमेज को मैंने अलग एक और फाइल क्रिएट कर ली। नाउ सबसे पहला बेस्ट है कि मैं इसको एक साथ कलर लुकअप के थ्रू ही कलर इफेक्ट चेंज कर दूँ। तो मैं यहाँ से कोई अच्छा सा इफेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी स्टाइलिंग ले सकते हैं जैसा आपके फ़ोटो को सूट करे, बिकॉज हर एक फ़ोटो का एक अपना लाइट स्टाइल होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा डार्क ब्लूइश फॉर्म में करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे मूनलाइट ले लेता हूँ, बिकॉज मूनलाइट में मेरे को ये बहुत अच्छे से डार्क पोज में कन्वर्ट हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक ये जो मेरे पास डार्क है इसको थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट और देना है, तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा कलर्स भी ऐड ऑन कर सकता हूँ कि सपोज़ मैं एक फ़ोटो फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ और इसमें एक कूलिंग फिल्टर अप्लाई करता हूँ, तो थोड़ा सा ब्लूइश टोन ज़्यादा आ गई। आप जितनी डेंसिटी रखना चाहते हैं आप उतनी रख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेस इमेज है उसका कलर भी इफेक्ट दिखे, तो मैं हल्का सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ कि मुझे एक ब्लू टिंट मेरे को स्टाइल दिखाई दिया। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी इफ़ेक्ट क्रिएट करूँ, ऐसी लाइनअप लाइंस क्रिएट करूँ जिससे इसके अंदर एक अलग ही इफ़ेक्ट आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ग्लो हमारे को इसके हैंड्स पे, उसकी लेग्स पे, जिस तरीके से इस पर अभी लाइट ऑलरेडी फॉल ऑन हो रही है, मैं उसी स्टाइल में इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले एक एरिया डिज़ाइन कर लेता हूँ जो मुझे ग्लो देना है। तो मुझे ग्लो देने के लिए सबसे बेस्ट है कि जो ओरिजिनल इमेज है मैं उसी को यूज़ करूँ फॉर द ग्लो इफेक्ट। तो मैं इसी को कंट्रोल जे फिर से करता हूँ। कंट्रोल जे करने के बाद मैं इसको ऊपर इसके सबसे लेयर के सबसे ऊपर स्टैक पे लाता हूँ, और यहाँ पे लाने के बाद मुझे चाहिए कि मैं इसमें से ये पूरी इमेज नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको मास्क कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्क। जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये वाइट है, तो इसका मतलब ये प्योर ओपेक है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दूँ, बिल्कुल गायब करूँ, तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। तो इसको ब्लैक करने का सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल आई, इन्वर्ट कलर्स। इन्वर्ट कलर्स क्लिक करते ही ये हमारा डार्क व्यू में हो गया। अब डार्क में मेरे को वो कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं अब एरिया स्पेसिफाई करता हूँ कि मुझे इस एरिया के ऊपर लाइट ग्लो करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको पिक किया, ब्रश लिया, ब्रश को मैं बहुत सॉफ्ट रखूँगा, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपकी फ़ोटोग्राफ जितना आपको चाहिए आप उतना डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओपेसिटी मैं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ही बढ़ाऊँगा, तो मैं ओपेसिटी को हल्का सा 40 रखता हूँ अभी, और मैं यहाँ पेंट करना शुरू करता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे इस जगह पेंट करना है, तो मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से रिवर्स वाइट कलर लिया है मैंने अपने फोरग्राउंड कलर में, और मैं यहाँ से पेंट करता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे पेंट करना है जिस स्टाइल में मेरे को रखना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ग्लो यहाँ चाहिए होगा, एक ग्लो मुझे इस जगह चाहिए होगा, और मुझे ग्लो इधर भी चाहिए होगा, हैंड पे मुझे इस जगह चाहिए, थोड़ा सा फेस पे भी चाहिए होगा, एजेस आप यहाँ रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते हैं आपके ऊपर है कि हम उसे स्टाइलिंग किस तरीके से रखना चाहते हैं। बट जैसी ग्लो आपको जहाँ जहाँ पे भी डिज़ाइन करनी है आप उसके अकॉर्डिंग उस एरिया को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये एक एरिया हाईलाइट करना है एंड दिस एरिया इज़ ऑल्सो। एक बार हमने देखें तो हमारे को हल्का हल्का लाइट ग्लो दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और हार्ड करना चाहता हूँ, तो मैं इसका ब्रश साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे दोबारा से स्किन के ऊपर हल्का हल्का दोबारा पेंट करता हूँ। तो जितना मैं पेंट करूँगा उतनी मेरी जो इमेज होगी वो रिवील होगी, जिससे वो इफ़ेक्ट और ज़्यादा ग्लो करेगा। तो मैं स्किन एरिया के ऊपर ज़्यादा पेंट कर रहा हूँ।
ठीक है, अभी मेरे पास वो एक ग्लो एरिया आ गया जितना मुझे अभी चाहिए था। अब इसके बाद मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि मुझे डिज़ाइन करनी है लाइंस। तो लाइंस डिज़ाइन करने के लिए मैं पेन टूल का यूज़ करता हूँ, बट पेन टूल से ड्रॉ करने से पहले मैं अपने ब्रश की सेटिंग्स को डिफ़ाइन कर लूँ कि मुझे हार्ड ब्रश चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से ओपेसिटी फुल रखता हूँ और ब्रश की साइज़ पहले चेक कर लेता हूँ, बिकॉज उसी थिकनेस का मेरा स्ट्रोक आएगा। तो मेरे लिए इतनी थिकनेस ओके है, तो मैं उस पर फ्रीज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर देता हूँ जिससे हमारे को स्ट्रोक ज़्यादा अच्छा सा दिखे। नाउ पेन टूल, और मैं यहाँ जूम करता हूँ और जिस तरीके से मुझे स्ट्रोक चाहिए अपने कर्व के सीन पे, हम उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सिंपली पेन टूल है, ऑल्ट और कंट्रोल का आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप अपने नोट्स को बिल्कुल क्रीज टू क्रीज रखें जिससे वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, उसमें जर्क ना हो। राइट क्लिक, पेन टूल बनाने के बाद जो भी पेन टूल से हमने एक एरिया बनाया, राइट क्लिक, बोला स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक पाथ में हम ब्रश सेटिंग्स लेंगे और यहाँ सिमुलेट प्रेशर ऑन करना है। अगर ये ऑन नहीं करेंगे तो हमारी जो ये सिमुलेट स्टार्ट पॉइंट है ये स्क्वीज नहीं होगा, तो इसको ऑन रखना है। ओके करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक स्ट्रोक आ गया। सेम स्ट्रोक हम इधर भी लेते हैं, आप चाहें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग कलरिंग दे सकते हो। तो मैं अभी जो बॉय है उसके लिए मैं येलोइश टच ही रखता हूँ, लाइक दिस। और आप ऑल्ट प्रेस करके अपने स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक बॉय के लिए डिज़ाइन किया। और मैं अब जो गर्ल है, आप चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, बिकॉज़ ये भी अच्छा एरिया है और वो ग्लो में भी आएगा, तो हम इसको भी बना लेते हैं और वहाँ पे हम रिवील भी कर लेंगे उसी तरीके से, बहुत सिंपली धीरे धीरे। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, एंटर। और यहाँ पे हमारा मिसिंग था तो हम ब्रश दोबारा ले लेते हैं, और ब्रश लेने के बाद डिफ्यूजनेस कम करते हैं, फिर से ओपेसिटी कम करते हैं, और यहाँ पे भी हम ग्लो दे देते हैं लाइक दिस। ये हम ग्लो बाद में इंक्रीज भी कर देंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हमें डिज़ाइन करना है, बट हाँ थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर से हम वापस इसी पर आते हैं और एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कुछ एडिट करना है गर्ल के कलर्स में या फिर आपको ह्यू सैचुरेशन, तो आप इजीली कर सकें। तो ब्रश सेटिंग्स फिर से हम चेक करते हैं, ब्रश साइज़ कम, हार्डनेस फुल, ओपेसिटी फुल, ब्रश स्ट्रोक आपके ऊपर है, थिकनेस आउटलाइन कितनी आपको चाहिए, तो मेरे लिए इतनी ओके है, इसे थोड़ी सी कम कर लेते हैं लाइक। ठीक है, नाउ पेन टूल, और अब मैं ब्रश कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ इसको एक ग्रीनिश, और अभी कलर्स का हम चेंज करेंगे इफेक्ट, बिकॉज अभी तो जो कलर है उसका एम्बियंस भी क्रिएट करना है हमारे को। तो एम्बियंस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिल्टर्स का, बट अभी हम पहले स्ट्रोक बना लेते हैं लाइक दिस। ब्रश स्ट्रोक अगर आपको थिक करना है तो आप वापस से ब्रश में जाके थिकनेस ब्रश को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पेन टूल। और ये आपको जितना चाहिए आप उतना एरिया ले सकते हैं। दिस आपको एनिमेट करना है तो आप ये आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हो सका तो मैं कोई और ट्यूटोरियल्स इस तरीके की डिज़ाइन करूँगा जिसमें मैं इनको एनिमेट भी करूँ, क्योंकि ये प्लगइन के थ्रू लोग करते हैं, तो मतलब प्लगइन किसी सॉफ्टवेयर में नहीं इंस्टॉल हो पाता है या चल नहीं पाता है, तो आप इनके इस प्रोसेस के थ्रू वो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर लिया, और अगर मैं कलर चेंज भी करना चाहता हूँ गर्ल की आउटलाइंस का, तो आई कैन चेंज द कलर ऑल्सो, कि मैं इसको किस तरीके से कलर रखना चाहता हूँ। उस तरीके से आप कलर्स डिफाइन कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम एक्वा ही रखते हैं, थोड़ा स्टाइलिश जिससे वो फ्लोरोसेंट रहे। अब देखने में हमारे पास आउटलाइंस आ गई, उसका ग्लो आ गया, बट अभी एक फील नहीं आ रही है कि उसका ग्लो जो कलर होना चाहिए वो उसी कलर का होना चाहिए,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को आप मर्ज कर लेते हैं, फाइनलाइज दोनों लेयर्स हमारे पास आ गई। कंट्रोल जे, डुप्लीकेट करता हूँ, फिल्टर, गो टू ब्लर, क्लिक ऑन गॉशियन ब्लर। जैसे आप गॉशियन ब्लर क्लिक करोगे आपकी वो एजेस ब्लर होंगी और जिससे वो एक एरिया एम्बियंस क्रिएट करना शुरू करेगी। तो हम इतना दें कि उसके ऊपर एक लाइटली फील आए हल्का सा, तो हम बहुत लाइट सा ले लेते हैं और ओके करते हैं कि अब गर्ल थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा एरिया है तो हम इस एम्बियंस को थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे फेस पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तो हम फेस पे भी थोड़ा सा येलोइश टच रखते हैं क्योंकि लाइट का ग्लो इसके ऊपर भी जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एजेस आप जितनी हार्ड करना चाहते हैं उतनी आप हार्ड रख सकते हैं। आपको लगता है कुछ एरिया ज़्यादा हो गया तो एक्स आप रिवर्स कलर करो और उसको आप एम्बियंस को होल्ड कर सकते हैं कि हाँ हमारे को लाइटली चाहिए। आप यहाँ पे फेस पे जो आ रहा है इस कलर को अगर मुझे कुछ शिफ्ट चेंज करना है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो, बट अभी मैं उसको इतना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो मैं कलर इफेक्ट के थ्रू चेंज कर लूँगा बाद में। और नीचे थोड़ा सा एक एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, तो मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और ब्रश लिया और मैं इसी एक्वा कलर को चूज़ करता हूँ। सॉफ्ट ब्रश ही लेंगे हम और यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ और थोड़ा ब्रश साइज़ बड़ा है थोड़ा सा हम यहाँ पे लेते हैं। अभी वो देखने में बहुत वियर्ड लग रहा है बिकॉज़ अभी तो हमने एक जनरल पेंट किया, तो आप इरेज़र लो, सॉफ्ट रखो ब्रश की तरह ही अपोजिट और आप इसको इस तरीके से कम कर दो कि वो इसके ऊपर फील ना आए, सिर्फ ग्राउंड इफेक्ट ही रहे। और यहाँ से आप ओपेसिटी से उसको लाइट भी कर सकते हो कि थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट ही आपको चाहिए उस सीन के ऊपर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप ब्रश लेके उसको इरेज और सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं जैसा आपका एम्बियंस हो। आप थोड़ा सा इसको पेंट करने में हमारे को लगेगा कि हाँ, क्योंकि हम पेंटिंग करके कर रहे हैं, हम कोई इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको मैनुअली थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान देना पड़ेगा ब्रश पेंट को। अब एक स्टाइल उसकी पूरी फोटोग्राफ के अंदर आ गया है, कलर लुक आ गई है, इफ़ेक्ट आ गया है। अब हम इसमें एक तरीके से आर्टिफिशियली कलर इफेक्ट ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर लेते हैं हम। पेस्ट करने के बाद ये होगा कि ये अब हम सब कुछ हमने मर्ज किया है एक ही लेयर के ऊपर और इस लेयर को अब हमें एडिट करने के लिए एक सिंगल लेयर मिल गई। और मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास एक कंबाइंड सिंगल लेयर है सारे इफ़ेक्ट्स की। अब मैं इसके लिए यूज़ करता हूं फिल्टर, रेंडर और यहां यूज़ करता हूं मैं लाइटिंग इफ़ेक्ट्स। तो डिफ़ॉल्ट लाइटिंग इफ़ेक्ट्स देखिए पहले से ही मैं एक ट्यूटोरियल मैंने क्रिएट किया था तो उसके जैसा ही इफ़ेक्ट पूरा रेडी है, तो मैं इनको हटा देता हूं, आप इसको समझें कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अभी बेसिक एक पॉइंट लाइट है जिस पॉइंट लाइट को मैं मानता हूँ कि ये एक बेस लाइट है, तो आप चाहो तो इस बेस लाइट को कहीं भी रख के इसके इफेक्ट को ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको मल्टीपल फ़ोटोज़ चाहिए या आप सेंटर, सपोज़ मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि इसके फेस के पास में जो इफ़ेक्ट है ये मुझे चाहिए सपोज़ एक येलोइश इफेक्ट का, बट ओवरऑल जो एम्बियंस है उसकी वो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मुझे उसकी इंटेंसिटी बहुत लाइट सी चाहिए। फिर मैं एक और पॉइंट लाइट लेता हूँ, पॉइंट लाइट लेने के बाद सॉरी ये मैंने इन्फिनिट लाइट क्रिएट किया, मैं यहाँ पॉइंट लाइट लेता हूँ और पॉइंट लाइट को मैं सेंटर में रख के इसका एरिया बहुत लिमिटेड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी फुल रखता हूँ बिकॉज मैं इसको वाइटी रखूँगा क्योंकि नेचुरल कलर मेरे को चाहिए, जो वाइटी कलर चाहिए जिससे मेरी जो स्किन है वो वापस से रिवील होना शुरू हो और उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट आए। नाउ यहाँ पे मुझे कुछ ग्रीनिश इफेक्ट भी चाहिए तो मैं एक स्पॉट लाइट लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एक बैक लाइट पड़ रही है सीन के ऊपर, तो मैं इस एरिया को लेंथ को डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मुझे कितना एरिया इसको कवर अप करना है। तो आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हो, मूव कर सकते हो कि जितना आपको एरिया उसका स्मॉल करना है। तो बहुत लाइट सा एम्बियंस दो और उसका कलर हम येलोइश रखते हैं, थोड़ा ऑरेंज शेड दे देते हैं जिससे वो इफेक्ट हल्का सा टेंट जो आए वो ऑरेंज का आए जिससे टॉप लाइट हमारे को ऑरेंज लगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाहता हूँ कि ब्लूइश इफेक्ट लगे, तो मैं एक और स्पॉटलाइट लेता हूँ और इस स्पॉटलाइट को थोड़ा सा रिवर्स अप्लाई करते हैं हम कि लाइट इधर से
और एरिया हम डिफाइन कर लेते हैं, और इसकी इंटेंसिटी आप थोड़ी सी एक्वा ही इफेक्ट में रखना है, बिकॉज उस एम्बियंस को ही वो क्रिएट करे, ना कि कोई अलग से। तो मैं उस एरिया को थोड़ा सा एरिया बढ़ा देता हूँ। आप ये इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट कितने में आपको चाहिए। बहुत लाइट सा चाहिए इफेक्ट, तो आप थोड़ा सा दूर कर सकते हैं अपनी लेयर्स के अकॉर्डिंग। आपको इसका लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आ रहा है ब्राइट येलो, तो आप थोड़ा सा दूर कर सकते हैं इफेक्ट के लिए। ओके करेंगे तो हमारे पास लेयर पूरी एग्जैक्टली वहाँ पे आ गया, और इसके ऊपर वो इफेक्ट भी अप्लाई हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत एक तरीके से फ्लैट कलर्स हो गए हैं, बहुत कंट्रास्ट नहीं है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर एक और इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यूज़ करता हूँ, जो मेरे को इफ़ेक्ट चाहिए कि ब्राइटनेस जो कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मैं कंट्रास्ट ले लेता हूँ जिससे इफ़ेक्ट अच्छा लगे, ब्राइटनेस ओवरऑल कम रखते हैं। कलर्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए तो मैं वाइब्रेंस ले सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करें और इफ़ेक्ट को ऐड करें। आप चाहो तो वापस से उन लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ वो लाइंस आपके पास अभी भी नीचे रखी हुई हैं। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो एक इफ़ेक्ट ये था और एक इफ़ेक्ट ये आया, और इसके ऊपर भी मैं कलर फिल्टर्स इफ़ेक्ट ऐड कर सकता हूँ जितने मर्जी मेरे पास जो स्टाइलिंग चाहिए हो। तो अगर आपको लाइंस चाहिए कि यहाँ पे रिवील नहीं हो रही है, तो आप उस लाइन को फिर से ऊपर रख सकते हैं कि हम उसको लेके आ जाएं, और कंट्रोल यू करके आप उसके अंदर भी अलग अलग स्टाइल कलर्स कंट्रास्ट दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। बट इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, क्योंकि तो हम हल्की सी वाइट रख देंगे तो आपको वो फिर भी क्लीन दिखेगी, तो आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट हम देखें तो हमने अपनी इमेज का एक स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट कर लिया। अब आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कलर्स कुछ अलग करने हैं, तो आप सिलेक्शन एरिया बना के या कोई नई इमेज लेके भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट जो हमारे को इस एरिया में चाहिए, यहाँ पे कोई अलग टिंट चाहिए इफ़ेक्ट का। तो मैं सिलेक्शन बना के आप मतलब लेयर मास्किंग के थ्रू या अपने इन मास्किंग के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे इस कलर को ही इफ़ेक्ट ऐड करना है, कि मैं यहाँ पे इस कलर को लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस तरीके से ले सकता हूँ कि मैं सिंपल ब्रश डिज़ाइन कर लूँ जिससे उसका फील उस कलर का हो जाए जिस कलर को हम चूज़ करना चाहते हैं। तो वो स्टाइल वैसा हो जाएगा जैसा हम चाहेंगे, और इंडिविजुअली हम एरिया को ले सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं ओरिजिनल इमेज के साथ अगर इसको देखूं, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूं, जो ओरिजिनल फाइल है उसको मैं लेके आता हूं, उसके साथ दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं। इमेज रिवील ऑल, यहां से देखें तो हमारे को वो जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग स्टाइलिंग की लाइटिंग किसी भी सीन के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ दे सकते हैं। आपको लगता है ब्लर कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। मतलब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, उन टेक्निक के थ्रू आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपने इमेज को, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए इफेक्ट स्टाइल सीख करें। थैंक यू।